नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिनोइज पे। सवासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी को लेके बात करते हैं तो बहुत सारे जो है खेल चल रहा है इस कंपनी में। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लोग कह रहा है कि ये शेयर्स को खरीद लेते हैं क्योंकि शेयर्स का जो है प्राइस कम चल रहा है, सवासा टेक्नो शेयर का प्राइस। और यहाँ पे जो है ऐसे कुछ अपडेट्स है जहाँ पे शेयर्स बेचा जा रहा है, मतलब बहुत सारे शेयर जो है सेल किया है, लाखों में शेयर्स जो यहाँ पे सेल किया जा रहा है। FIS ने स्टेक थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है कंपनी का। देखते हैं इंफॉर्मेशन, तो एक बहुत ही एक बढ़िया कंपनी है जिसका रेवेन्यू प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त कर रहा है कंपनी। अभी यहाँ पे प्रमोटर्स की ओर से शायद से कुछ चल रहा है या फिर अगर देखेंगे तो ऐसे कुछ यहाँ पे खेल चल रहा है जिसके चलते शेयर को अगर देखेंगे तो एक ज्यादा प्राइस में नहीं लाया जा रहा है, मतलब इसी रेंज में 20 रुपया 22 रुपया इसी रेंज में जो ये शेयर चल रहा है। तो यहाँ पे असल में क्या चल रहा है सवासा टेक्नो में, क्या यहाँ पे शेयर्स को क्यों बेचा जा रहा है? बहुत सारे शेयर्स अगर देखेंगे लाखों में जो यहाँ पे शेयर्स सेल किया गया है, क्या अपडेट है सवासा टेक्नो को लेके, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। सवासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ये एक ऐसा कंपनी है जिसका देखा जाए तो शेयर जो है मतलब पेनी शेयर जो कि बहुत ही कम प्राइस में ट्रेड करता है। और अगर देखते हैं तो असल में जो ये शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। सोलर में इसका बिजनेस है, टेलीकॉम में बिजनेस है, EPC में बिजनेस है और इंजीनियरिंग में बिजनेस है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे बोल सकते इसका जो बिजनेस का वो है पोर्टफोलियो जो है वो अलग अलग सेक्टर में ने बना के रखा है। इंडिया के बाहर भी कंपनी बिजनेस करता है, मतलब इतना बढ़िया कंपनी है जिसका इतना प्रॉफिट हो रहा है, शेयर का प्राइस कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है दो बार शायद से बोनस दिया है और स्टॉक डिस्प्लेट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारा खेल हुआ है जहां पे स्टॉक का प्राइस जो है फिर से एक बार डाउन कर दिया गया है। हम यहाँ पे देखते हैं तो सवासा टेक्नो का जो शेयर का प्राइस है जो कि 19.97 पैसे में ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बोल सकते हैं कि हम लोग जो है डिटेल में देखते हैं शेयर को लेके 5 ईयर्स में सवासा टेक्नो का जो शेयर है दोस्तों, 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर जो है 4 रुपया 4.5 रुपया ऐसा करके शेयर में एक तेजी बना। और यहाँ पे ये शेयर में एक जबरदस्त तेजी बनाया था सवासा टेक्नो के शेयर ने, जहां पे शेयर का प्राइस लगभग 30 रुपीज के आसपास पहुंचा है। तो अगर यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट नहीं होता था शेयर तो हमें नहीं लगता कि शेयर का प्राइस इतना कम होता था, मतलब थोड़ा ज्यादा प्राइस में शायद सवासा टेक्नो का शेयर मिलता था। अभी यहाँ पे 5 ईयर्स में इस कंपनी का रिटर्न कितना है, 1,601.02%। एंड वही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कंपनी का जो मतलब बोल सकते कि यहाँ पे एक साल में सवासा टेक्नो के शेयर को देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो एक साल में इस कंपनी के शेयर में यहाँ पे जो एक इसने हाई प्राइस बनाया जो कि 32.25 पैसे का, ये इसका एक साल का हाई प्राइस है। और वहां से देखते हैं तो शेयर का प्राइस डाउन हुआ, मतलब एक साल में ये शेयर जो है बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। और एक साल में इसके रिटर्न की बात करते हैं 90.01% इसने रिटर्न दिया, मतलब अगर आपने शेयर यहाँ पे खरीदा है सवासा टेक्नो का तो आपको जो है एक जबरदस्त रिटर्न इस शेयर में देखने को मिला है। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे बेचना पड़ा शेयर और फिर से अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक रिटर्न मिला है। बात करते हैं दोस्तों इस शेयर का जो 1 मंथ का इंफॉर्मेशन है, 1 मंथ में 12.38% रिटर्न दिया है शेयर ने। और एक दिन में देखेंगे या फिर माफ कीजिए एक हफ्ते का देख लेते हैं, यहाँ पे एक हफ्ते में 6.34% शेयर का प्राइस डाउन हुआ और एक दिन में देखेंगे तो 1.29% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है सवासा टेक्नो का, जहाँ पे इसका जो एक दिन का इसने बोल सकते कि जो एक हाई प्राइस बनाया जो कि 20.35 पैसे का है ये शेयर ने, एंड जो लो प्राइस बनाया 19.89 पैसे का। 52 डे का जो हाई प्राइस 33.95 पैसे का, 52 डे का जो लो प्राइस है 8.73 पैसे का। तो इस कंपनी का देख सकते हैं जो इसका 52 का हाई प्राइस है 33.95 पैसा, उससे देखेंगे तो शेयर का प्राइस जो है फिलहाल डाउन चल रहा है। तो अभी यहाँ पे कंपनी का जो है प्रीवियस जो क्लोज प्राइस है शेयर का 20.23 पैसा, मतलब इसका देखिए एक चीज यहाँ पे शेयर जो है 20.23 पैसा पहुंचा, उससे अगर देखते हैं तो प्रीवियस क्लोज प्राइस जो है
उससे शेयर का प्राइस अभी नीचे चल रहा है, मतलब शेयर जो है आपके थोड़ा बहुत और डाउन हो सकता है। एवरेज वॉल्यूम की बात करते हैं, शेयर का 30.73 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 34.93 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी के। अभी यहाँ पे बोल सकते कि शेयर का प्राइस इतना क्यों गिर रहा है, मतलब कंपनी अगर इतना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, कोई भी इन्वेस्टर्स वही देखेगा कि कंपनी यहाँ पे इतना ज्यादा बिजनेस कर रहा है जिसका बिजनेस इंडिया के बाहर भी अच्छा खासा चल रहा है और कंपनी यहाँ पे बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। बहुत सारे मतलब पोर्टफोलियो में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स है इसके पास या फिर प्रोडक्ट्स है जहां पे कंपनी ये बिजनेस करता है। तो प्रमोटर्स की ओर से क्या चल रहा है सलासा टेक्नो में, टेक्निकली बात करते हैं सलासा टेक्नो के शेयर को लेके। टेक्निकली ये जो शेयर है एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे शेयर जो है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे शेयर एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए अभी अभी जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, यहाँ पे साला जो है आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा कि सलासा टेक्नो में चल क्या रहा है और यहाँ पे बाई करना है कि क्या नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि ऐसा कुछ हम लोग नहीं बोल रहे कि आपको ये शेयर खरीदना है बेचना है, सिर्फ डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है ये शेयर में सलासा टेक्नो का। प्रमोटर्स के पास देखिए अभी कितना शेयर से स्टेक से 57.04% का, तो इसका अगर देखते हैं डेटा तो इसके पहले जो शेयर से 58.76% का था। तो यहां पे प्रमोटर्स जो है बहुत सारे स्टेक से रिड्यूस किया है। यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स इनके पास 63.07% का स्टेक था, 63.07% का स्टेक था, वो स्टेक जो है कम करते करते प्रमोटर्स जो अभी 57.04% का स्टेक रखा है। मतलब बहुत सारे स्टेक जो है प्रमोटर्स ने यहाँ पे सेल किया है और भी ज्यादा कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक जो है रिड्यूस किया है। FIS के पास देखिए अभी फिलहाल तो बोल सकते 57.04% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास, FIS ने यहाँ पे स्टेक अच्छा खासा खरीद के रखा है जो कि 6.66% एंड पब्लिक के पास 36.3% का स्टेक है। अभी यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है सलासा टेक्नो में, जहां पे कुछ बल्क डील्स हुए हैं, कुछ बल्क डील्स हुए जो कि रीति प्राइवेट लिमिटेड करके जो है इनके ओर से देख सकते हैं, जो है पहले शेयर्स को सेल किया गया है उसके बाद शेयर्स को बाई किया गया है, ऐसा कुछ बल्क डील हुआ है। अभी यहाँ पे जो बात आता है कि प्रमोटर्स का क्या यहाँ पे रोल है, प्रमोटर्स का क्या रोल है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। प्रमोटर्स ने जो यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं, सेल किया है। यहाँ पे तो एक हो गया जो इनसाइडर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, जहाँ पे शिखर पेपटेक करके जो है इनका ओर से यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मतलब 9,65,57,927 शेयर्स कितने में बेचा गया, 21.70 पैसे में शेयर्स बेचा गया है। तो इतने सारे शेयर्स, और उसके पहले देखेंगे तो आलोक कुमार जो कि बोल सकते हैं कि जो ये है मतलब प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स में देखते हैं तो आलोक कुमार जो है इनका देख सकते हैं इन्होंने कितना शेयर्स बेचा है, लगभग बहुत ज्यादा शेयर जो इन्होंने बेचा है 21.50 पैसा एक एवरेज प्राइस में। उसके बाद देखते हैं तो शिखर गुप्ता जो है, शिखर गुप्ता ने भी यहाँ पे स्टेक्स बेचे हैं, बहुत सारे स्टेक्स यहाँ पे जो सेल किया है। कमलेश गुप्ता फिर से यहाँ पे शेयर सेल किया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअसली जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स अपना स्टेक बेचता जा रहा है, मतलब 63% का स्टेक था वो स्टेक रिड्यूस करके अभी 57% में आया है। और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि इनसाइडर जो है मतलब जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स यहाँ पे भी स्टेक को जो है सेल कर रहा है। मतलब ये लोग जो है अगर देखेंगे अभी जैसे इसका डेटा आएगा जो अपडेटेड डेटा है, तो उसमें देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स का जो स्टेक है और भी कम है, इतना सारा स्टेक्स क्यों बेच रहा है प्रमोटर्स। हमारे देखा जाए तो कंपनी का इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है जो अभी देखने को मिल रहा है, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, कंपनी का देखेंगे तो मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा हो रहा है, तो प्रमोटर्स को क्यों स्टेक बेचने का जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे। क्योंकि प्रमोटर्स के पास देखेंगे तो मतलब कंपनी के पास भी अच्छा खासा इसका जो फाइनेंशियल बोल सकते कि बैकअप या फिर फाइनेंशियल जो है कंपनी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। तो यहाँ पे ऐसा क्या चल रहा है कि सलासा टेक्नो के प्रमोटर्स यहाँ पे स्टेक बेच रहा है, तो ये बहुत ही एक बार ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। आपको क्या लगता है सलासा टेक्नो को लेके, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पिन ऑइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।